स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज DRDO के द्वारा टेस्ट किए गए लेजर गाइडेड ATGM के बारे में। हालांकि इस टेस्ट को 22 सितंबर को भी कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो जो टेस्ट था वो DRDO के जो टैंक एक्स प्लेटफॉर्म है यानी कि करंट प्लेटफॉर्म है, तो वहां से वो टेस्ट कंडक्ट किया गया था। टैंक एक्स में जो टरेट है वो अर्जुन का ही टरेट है, लेकिन आज का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है वो अर्जुन MBD से कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस ATGM को लेके बात करने वाले हैं और कंपैरिजन करेंगे इसका जो भी आपके APF SDS राउंड होते हैं उनसे, और क्या कुछ एडवांटेज आपको मिलते हैं अगर आप ATGM को फायर करते हो किसी टैंक से। तो पहले आज के टेस्ट को लेके जो भी प्रेस रिलीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है KK रेंज अहमदनगर में। यहाँ पे जो आपका ATGM था वो हीट वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा था, टैंडम वॉरहेड है। यहाँ पे वॉरहेड को इस तरह ढाला गया है ताकि किसी भी एनिमी टैंक के जो ERA है उसको भेज सकेगा। ATGM की यहाँ पे जो रेंज है वो बताई गई है 1.5 से लेके 5 किलोमीटर के बीच में, और ये एक 120 mm का ATGM है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये इनवार ATGM हो जो कि 125 mm का टैंक लॉन्च ATGM है। आज का जो मिसाइल फायर किया गया है इसमें DRDO के लिए ARDE, HEMRL और जो IRDE है इन सभी का योगदान रहा है। ARDE की बात करोगे तो जो वॉरहेड है वो ARDE का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, जो बूस्टर फेज है सॉलिड फेज है वो HEMRL का रहा होगा, और IRDE का जो सीकर है वो रहा होगा जो कि लेजर सीकर के साथ साथ MEMS गाइडेंस का भी इस्तेमाल करता है। तो ये कुछ आज के ATGM के टेस्ट को लेके स्पेसिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं इस ATGM के बारे में। तो दुनिया में आमतौर पर जो भी ATGM फायर किए जाते हैं किसी भी टैंक के गन से, तो वहाँ पे उनको फायर करने के लिए जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक स्पेशल अलग से चार्ज का इस्तेमाल करके उस चार्ज को आप इग्नाइट करते हो और वो चार्ज फर्दर प्रोपेल करता है आपके ATGM को। और इस तरह के ATGM में जो लेजर गाइडेंस दी जाती है वो ATGM के एंड पे दी जाती है, न कि टारगेट पे दी जाती है। मतलब जो लेजर बीम आप छोड़ते हो वो आप अपनी मिसाइल के एंड पे छोड़ते हो, न कि टारगेट पे। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको अक्सर देखने को मिलेगा जो भी रशियन टैंक लॉन्च ATGM है उनमें। और इस तरह से गाइड करने में क्या होता है कि आप एनिमी पे डायरेक्ट कोई भी लेजर पॉइंट नहीं कर रहे हो तो उनको जो लेजर वार्निंग है वो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप लेजर पॉइंट कर रहे हो अब अपने मिसाइल पे उसके एंड पे। तो इस तरह के गाइडेंस में ये आपको एडवांटेज मिलता है। बात करते हैं DRDO के ATGM के बारे में, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पीछे से आप शुरुआत करोगे तो आपको दिख रहे होंगे कंट्रोल सरफेस जो कि एक्चुएटर की हेल्प से घुमाए जाएंगे। उसके आगे आपको दिखेगा सॉलिड रॉकेट मोटर यानी कि यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट है जिसको फायरिंग के टाइम पे इग्निशन मिलता है। उसके आगे आपको दिख रहा होगा बैटरी, और ये बैटरी पावर करता है जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इस सिस्टम में उनको। और उसके जस्ट आगे आपको दिख रहा होगा फ्यूज, और जो वॉरेड है उसके इग्निशन को लेके जो भी सेफ्टी मैकेनिज्म है वो आपको दिख रहे होंगे। फिर आपको दिख रहा होगा मेन वॉरहेड जो कि कॉनिकल शेप में रखा गया है, आमतौर पर कॉपर वॉरहेड होते हैं। फिर उसके जस्ट आगे जो भी मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो रखे गए होते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा जो प्रिकर्सर वॉरहेड है वो, तो बेसिकली जो प्रिकर्सर वॉरहेड है वो ठीक वैसे ही रखे गए होते हैं जैसे आपके मेन वॉरहेड हैं, लेकिन वहाँ पे जो अमाउंट होता है वो कम होता है। और यहाँ पे ये वॉरहेड पहले टकराएगा किसी भी टैंक से और वहाँ पे जो भी ERA है उनको भेज देगा, उनको हटाएगा। उनको तुरंत हटाने के बाद जो भी आपके मेन वॉरहेड हैं वो इग्नाइट होते हैं, और उनके इग्निशन के बाद जो भी टेम्परेचर जनरेट होता है उस टेम्परेचर से ये जो आपका कॉनिकल सेक्शन दिख रहा है मेन वॉरहेड में वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद पेनिट्रेट कर जाता है दुश्मन के टैंक के अंदर। तो ये पूरा सेक्शन है, सामने आपको दिख रहा होगा सीकर, और यहाँ पे जो सीकर है वो किसी लेजर द्वारा लोकेट किए गए टारगेट को लॉक करके वहाँ बढ़ने में सक्षम है। और यहाँ पे जो गाइडेंस है वो MEMS जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है वो दिया गया है। तो यहाँ पे इस ATGM में जो लेजर का गाइडेंस है वो आपको टर्मिनल फेज में मिलता है। मिड कोर्स के टाइम पे भी जो कोर्स करेक्शन है वो आप दे पाते हो डेटा लिंक के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लिंक का मॉड्यूल है वो भी दिया गया है। जैसे ही आप एंड में पहुंचोगे तो इसका जो सीकर है वो टारगेट की पिक्चर को लॉक किया होगा और उस तरफ बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के गाइडेंस में आप क्या करते हो, अपने टारगेट पे एक लेजर पॉइंटर छोड़ते हो और वो काफ़ी कम सेकंड के लिए छोड़ते हो, और ये जो लेजर पॉइंटर होते हैं ये आपको उतने इल्यूमिनेटिंग नहीं दिखते हैं। मतलब दुश्मन के टैंक के ऊपर जो पॉइंटर होगा वो बहुत कम समय के लिए होगा, और इतने समय में उसके लेजर वार्निंग सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, तब तक आपका जो टारगेट है वो लॉक हो गया होता है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो प्रिंसिपल है वो पॉसिबली काम कर रहा है। अदरवाइज आप ज़्यादा देर तक लेजर को रखोगे टारगेट पे तो आपके ATGM का जो पर्पज है वो विफल हो जाएगा। हालांकि इस तरह के सीकर में क्या होता है कि आप एक लेजर सोर्स को कंटिन्यूस पॉइंट किए होते हो अपने टारगेट की तरफ, और वहाँ जो आपका मिसाइल है उस लेजर की हेल्प से राइड करते हुए पहुँचता टारगेट पे। लेकिन ऐसा करने पे जो आपके टैंक की लोकेशन है यानी कि जो लेजर सोर्स का लोकेशन है वो भी आप दे देते हो, मतलब आपका जो टैंक है वो वल्नरेबल हो जाता है। सो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो एक कोर्स करेक्शन है वो भी यहाँ डेटा लिंक के थ्रू दिया जा सकता है इस ATGM में। मतलब मिड कोर्स में लेजर की हेल्प से जो गाइडेंस है वो टाइम टू टाइम आप देते रहोगे।
अदरवाइज यहाँ पर जो डेटा लिंक का फ़ायदा है वो कुछ खास रह नहीं जाएगा। सो ये तो रही बात लेजर गाइडेड ATGM की। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज को लेके, क्या क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं जो भी आपके APF SDS राउंड है उनके ऊपर, या फिर इन जनरल क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हो APF SDS राउंड की। तो इस तरह के जो राउंड होते हैं उनमें आप एनिमी के टैंक को पेनिट्रेट करने के लिए कोर है एक रॉड के रूप में वो इस्तेमाल करते हो, और इस तरह से जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कम मिलती है ATGM के कंपैरिजन में। जो भी आपके APF SDS राउंड होंगे ये एक लॉन्गर डिस्टेंस तक टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती है तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो घटती है, और वो केस आपके ATGM के साथ नहीं है। यहाँ पर जो आपका ATGM है इसके अंदर जो वॉरहेड है टैंडम वॉरहेड वो कम्प्लीटली उसके मेल्टिंग पर डिपेंड कर रहा है, और वो केस आपके APF SDS राउंड के साथ नहीं है। वहाँ पे आप जैसे ही दूरी बढ़ाओगे मतलब टारगेट को दूर ले जाओगे तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे APF SDS राउंड के पास एडवांटेज क्या है कि अगर टारगेट आपका शॉर्ट डिस्टेंस में है तो वहाँ पे आप इस तरह के राउंड फायर करना उचित समझोगे, क्योंकि इस तरह के राउंड की जो स्पीड होती है वो 1700 मीटर पर सेकंड की होती है अगर टारगेट 2000 मीटर पर खड़ा है तो, मतलब वो 1.15 सेकंड में जाके टारगेट को हिट करेगा। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जो भी आपका टारगेट है उसको मुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आमतौर पर जो भी टैंक होते हैं उनके जो टरेट होते हैं वो 360 डिग्री घूमने में 10 सेकंड लेते हैं, तो मुश्किल से 10 डिग्री भी आपके दुश्मन को घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टेक्निकली कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो APF SDS राउंड आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए अगर दुश्मन सोचेगा कि वो अपने टैंक के एंगल को चेंज कर ले तो उतना भी रिएक्शन टाइम उसके पास नहीं होता है, क्योंकि वहीं पर अगर आप 2000 मीटर में ATGM फायर करते हो टैंक से तो जो ATGM की स्पीड होती है वो 280 से लेकर 300 मीटर पर सेकंड की होती है, जो कि टारगेट तक पहुंचने में ऑलमोस्ट ले लेगा 7 से 8 सेकंड, और इतने में जो आपका दुश्मन है वो 60 प्लस डिग्री घूम जाएगा, मतलब वहाँ पर उसके पास जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे टेक्निकली कहने का मतलब ये हो गया कि 2000 से 2500 मीटर के रेंज में जो भी आपके APF SDS राउंड होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। एक तो ये पर्पज हो गया, दूसरा ये हो जाता है कि अगर आपके एनमी के पास यानी कि उसके टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन दिया गया है तो आप वहाँ पे APF SDS राउंड इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि जो भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं वो बनाए गए होते हैं किसी भी सामने या फिर साइड से आ रहे जो भी हॉरिजॉन्टल टारगेट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो वल्नरेबल होते हैं टॉप अटैक कैपेबिलिटी से। अगर आपके पास ATGM है और उसमें टॉप अटैक कैपेबिलिटी है तो सामने वाले टैंक के पास अगर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी है तो उसको भी आप डिफीट करके टॉप से अटैक कर दोगे टैंक के ऊपर। तो इस तरह के रोल में जो ATGM है उसका आप इस्तेमाल कर लेते हो। बात करते हैं लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर की। तो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को हिट करने के लिए जो आपके ATGM है वो इस्तेमाल में आ सकते हैं, टैंक के द्वारा फायर किए जा सकते हैं। अगले एडवांटेज की बात करोगे ATGM की तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी आपके इन्वेंट्री यूनिट हैं उनके ऊपर जो लोड है वो कम करते हैं, या अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो फायर पावर है वो कैरी करते हैं। नहीं तो आपको अलग से एक यूनिट कैरी करनी पड़ेगी जो कि ATGM फायर कर सके। मान लो कोई WHAP जैसा सिस्टम है वो तकरीबन 4 के नंबर में अगर ATGM कैरी कर रहा है तो वहाँ पे वो लिमिट है, लेकिन यहाँ पे टैंक के साथ जो ATGM है वो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कैरी कर सकते हो, प्लस जो ATGM है वो टैंक के अंदर सेफ रहेंगे। तो इस तरह के जो कुछ एडवांटेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।